हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये अमेजन से ब्लैक प्लस टेकर का एक कॉर्डलेस ड्रिल और ड्राइवर सेट लिया है और ये मैंने कल ऑर्डर किया था और आज डिलीवर हो गया। काफ़ी सुपर फास्ट डिलीवरी था इसका। ये इसके बॉक्स का बाहर से आउटलुक है। मैं ये बता देता हूँ कि अगर आप ब्लैक प्लस टेकर का गूगल पे सर्च करेंगे कि ये कहाँ की कंपनी है, गूगल बता रही है कि ये अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इसके ऊपर लेबल पे लिखा हुआ है कि ये ब्लैक एंड डेकर यूरोप स्लॉ इंग्लैंड। दैट मींस ये मोस्टली इंग्लैंड की कंपनी लग रही है, लेकिन ये मेड इन पीआरसी है, पब्लिक रिपब्लिक ऑफ चाइना। दैट मींस कि ये चाइना में बनी है। ये एक माइनस पॉइंट हो सकता है क्योंकि हम आज के दिन चाइनीज प्रोडक्ट्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है किसी और अच्छी कंपनी में अवेलेबल नहीं था, तो मुझे मजबूरन ये लेना पड़ा। अगर किसी इंडियन कंपनी में इतनी अच्छा ऐसा अच्छा प्रोडक्ट होता तो मैं इसे जरूर लेता। चलिए अब इसे खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर क्या क्या है इसके। ओके, तो सबसे पहले मुझे ये मेन मशीन दिख रही है और एक केस दिख रहा है और साथ में व्हाइट कलर का बॉक्स दिख रहा है। चलिए हम एक एक करके निकाल लेते हैं। सबसे पहले ये एक तरह से केस है, ओपन केस, जैसे सूट केस होता है वैसे। इसकी क्वालिटी इतनी कोई खास नहीं लग रही है, ये इजीली दब जा रहा है। चलिए खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर काफी सारे ड्रिल सेट और ड्राइव सेट है, स्क्रू ड्राइवर सेट है। आई थिंक ये थोड़ा मिसप्लेस हो गया है अमेजन कुरियर में, काफी इसको धक्के मुक्की खानी पड़ी होगी, काफी सारे बिट्स निकले हैं। लेकिन ये जो अंदर बिट्स लगे हुए हैं ये ऑलरेडी इतने स्ट्रांगली लगे हुए हैं, फिर भी बाहर निकला है ये बिट, तो इसका मतलब काफी धक्का लगा होगा इसको। और ये पर्टिकुलर बिट थोड़ा डिफरेंट लग रहा है मुझे, आई थिंक ये यहीं कहीं सेट नहीं हो रहा है, इसको हम यहां रख देते हैं। और थोड़े बिट्स यहां पे भी गिर गए हैं। तो ऑल इन ऑल इसके अंदर सारे बिट्स कवर्ड है, आप देख सकते हैं। ये पर्टिकुलर बिट जो है आई थिंक मोस्टली इसको वुड के अंदर छेद करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर साइजेस भी लिखा हुआ है। तो हम आगे बात करते हैं इस मेन मशीन की। ये मशीन देखने में काफी मैं नहीं कहूंगा कि ये काफी अच्छी है, लेकिन हाँ ये मशीन देखने में रियली अच्छी है, दिख रही अच्छी है और इसकी बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक ठीक है, खराब नहीं लग रहा मुझे। और आप देख सकते हैं कि इसके नीचे बैटरी दिया हुआ है और ये इसका ट्रिगर है, एंड आई थिंक ये एक तरह से लॉक बटन है। चलो मैं इसका प्रेस करके दिखाता हूँ। प्रेस करके और ये चलाया तो ये आई थिंक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, और मैं पीछे से प्रेस करता हूँ और चला के देखता हूँ, यस अब ये क्लॉकवाइज चल रहा है। और नेक्स्ट देखते हैं कि इस बॉक्स में और क्या है। ये व्हाइट कलर का बॉक्स है, हम इसमें देखते हैं क्या है। ओके, इसके अंदर आई थिंक इसका चार्जर है और एक ये क्या है, ये एक बैटरी तो नहीं लग रही। हाँ, लेकिन इसमें एक ये स्लॉट दिया हुआ है, आई थिंक ये बैटरी चार्ज करने के लिए एक तरह से स्टेशन दिया हुआ है। हम इसको देखते हैं कि कैसे बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो बैटरी निकालने के लिए ये बटन दिया हुआ है, इसको हम प्रेस करके बैटरी निकाल सकते हैं। और आई थिंक ये जो टर्मिनल है ये इसके अंदर चला जाएगा। और ये चार्जर आई थिंक इट्स अ वेरी डिसेंट प्रोडक्ट, इसको ऐसे रख के चार्ज करना चाहिए होगा। और इसके अंदर
मैनुअल और ऑथराइज सर्विस सेंटर्स के नाम हैं। साथ ही साथ इसके अंदर एक ये बिट निकल के गिर गया। आई थिंक ये ओके सो ये बिट यहाँ पे लगने चाहिए, ये यहाँ से भी निकल के गिर गया। सो ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्ट। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।